एक पोवा बासमती चावल, दो बड़ी कटी हुई प्याज, करी लीफ, लाल मिर्च, मस्टर्ड थोड़ा सा, काजू बादाम, रिफाइंड ऑयल, लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर, चीनी, नमक, अदरक का स्लाइस और 2 लीटर पानी। गैस को ऑन कर लिए, आप में पानी को गर्म कर लेंगे। जब पानी, आप देखिए मेरा पानी उबाल आ गया, इसमें चावल को डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हिला देंगे। अब मेरा चावल आधा पक गया है, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, आधा पक गया। आप इसको हम उतार लेंगे। आप एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, मस्टर्ड को डाल दिए, करी लीव्स डाल दिए। आप इसमें प्याज डालेंगे, अब कटे हुए अदरक के स्लाइस और प्याज डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, नमक 1 टेबल स्पून, काजू बादाम डाल दिए, अब मैंने प्याज ब्राउन कलर हो गया, इसमें चावल को डाल देंगे। वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दिए। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप एक कटी हुई प्याज और इसको बेरेस्ता बना लेंगे। इसको लाल होने तक फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। मेरा प्याज लाल हो गया। अब मेरा ये चावल भी तैयार हो गया, इसके ऊपर से लाल अभियान के बेस्ता डाल के रखेंगे। मेरा तैयार हो गया ऑनियन राइस, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिए। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर आऊँगी कोई नई रेसिपी के साथ।